मेरा सवाल यह है सर कि गाग गोश्त ले लेता है, जब पैसे भी हो जाते हैं सब कुछ हो जाता है, फिर इसके बाद गाग कहता है मजीद एक बोटी ज़्यादा डाल दो, या हड्डी डाल दो या चर्बी डाल दो। गाग का इस तरह से हमसे एक बोटी ज़्यादा मांगना ये जायज़ है? ये बाहर शरीयत में लिखा हुआ है कि इस तरह जो ये मांगते हैं इसको मना किया है, नाजायज़ का लफ्ज़ नहीं लिखा, तो बिला हाजत सवाल ना करें, मना फरमाया। तो ये वाकई मांगते हैं, वो गोश्त मांगेंगे सब्जी वाले से, वो धनिया मांगेंगे, तो इस तरह ये ना मांगा करें। बल्कि बास तो इतने वो जरी होते हैं कि सब्जी वालों का भी वो उठा कर भी टोकरी में शायद डाल लेते हैं, तो ये बात सूरतों में तो बिल्कुल यानी कि हराम हो जाएगा। इस तरह बगैर इजाज़त छुपा कर डाल लिया टोकरी में तो हराम है, ये तो चोरी की तारीफ यही है कि किसी का माल छुपा कर ना हक ले लेना, ये चोरी है जो कि हराम और जहन्नम ले जाने वाला काम है। तो इससे मतलब बचना चाहिए, जो अपना हक था वो मिल गया बस काफ़ी है वो। अब अपनी मर्जी से अगर वो गोश्त फरोश है, वो हड्डी डाल देता है या नली उठा के दे देता है तो ठीक है, ले सकते हैं, खुद ना मांगे। वरना जो मांगता होगा ना, ये इसको पता होगा ना गोश्त फरोश हो के ये मांगू है, तो उसको भी ये भी व्यापारी होते हैं ना ये, तो उसको पहले से ही मतलब वो कम देता होगा तोल में कि अब ये मांगेगा तो उसको दे देंगे, तो इसका वो इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन गोश्त फरोश को ऐसा करना नहीं चाहिए, उसको वजन पूरा ही देना चाहिए।